प्लेन खान, क्यूब सेंसाई, टैग जेलब्रेक और भी काफ़ी यूट्यूबर हैं जो अपनी वीडियो एडिटिंग से यूट्यूब पर आते ही वायरल हो गए। बट ये सभी यूट्यूबर अपनी वीडियो को पीसी में एडिट करते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल की वीडियो एडिटिंग सिखाऊंगा। एंड इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पेपर अनफोल्ड एनिमेशन, स्टैम्प एनिमेशन, लेंस एनिमेशन, फोटो साइन इफेक्ट, वीडियो काउंटिंग विद एनिमेशन, वीडियो मर्ज टेक्निक, कॉर्नर राउंड टेक्निक। ये बेसिक एडिटिंग आपकी वीडियो को प्रोफेशनल एडिटिंग में बदल देगी। और ये सभी एडिटिंग हम मोबाइल में करने वाले हैं। एंड ये एडिटिंग कैपकट, इनशॉट, वीएन सभी में सेम रहेगी। पेपर अनफोल्ड एनिमेशन, फर्स्टली गूगल क्रोम ओपन करेंगे और पेपर एनिमेटर सर्च कर लेंगे। एंड ये फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। पहले हम जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेंगे। अब जिस फोटो को एनिमेशन देना है वो फोटो ऐड कर लेंगे। अब कलर आइकन से बैकग्राउंड को ग्रीन कर लेंगे। सेकंड वाले ऑप्शन से हम फोटो को चेंज कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन से अपने फोटो को अनफोल्ड एनिमेशन दे सकते हैं। और नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें एनिमेशन की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब डाउनलोड वाले आइकन से MP4 में एक्सपोर्ट कर लेंगे। लो, बन गया आपका ये यूनिक पेपर अनफोल्ड एनिमेशन। फोटो साइन इफेक्ट विद एनिमेशन, मोस्टली क्रिएटर इस इफेक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो सोचा इसे भी कवर कर लेते हैं। फर्स्टली पिक्सल लैब ओपन करेंगे और बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर लेंगे। अब प्लस आइकन से एक फ़ोटो को ऐड कर लेंगे और इसके साइज को एडजस्ट करके सेंटर में रख लेंगे। अब लेयर से फ़ोटो को लॉक कर लेंगे। अब शेप में जाकर एक स्क्वायर शेप को ले लेंगे और शेप को फ़ोटो के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। अब लेयर से शेप को फ़ोटो के पीछे ले जाएंगे और इसे लॉक कर लेंगे। अब हम इसमें टेक्स्ट ऐड करेंगे और टेक्स्ट को फ़ोटो के नीचे एडजस्ट कर लेंगे। अब लेयर से इन तीनों को मर्ज कर लेंगे। अब शैडो से वाइट शैडो को ऐड कर लेंगे एंड फोटो को सेव कर लेंगे। आफ्टर दैट कैपकट ओपन करेंगे और एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे। अब ओवरले से PNG को ऐड करेंगे जो हमने अभी क्रिएट की थी। अब फोटो की लेंथ को इंक्रीज कर लेंगे। अब फोटो को नीचे ले जाकर एक की फ्रेम ऐड करेंगे एंड थोड़ा आगे एक और की फ्रेम ऐड करेंगे और PNG को ऊपर ले जाएंगे। अब फर्स्ट की फ्रेम पर आएंगे और PNG को 30 डिग्री पर रोटेट कर लेंगे। अब इस PNG को डुप्लीकेट कर लेंगे और PNG को फर्स्ट PNG के जस्ट नीचे रख लेंगे। अब फिल्टर में जाकर सेकंड PNG की ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को फुल कर देंगे। अब मास्क में जाकर मिरर एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब दोनों लाइन को इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। अब एडजस्ट में जाकर -40 डिग्री पर रोटेट कर लेंगे और पोजीशन से इसे ऊपर ले जाएंगे। अब PNG के स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड करेंगे एंड थोड़ा आगे एक और की फ्रेम ऐड करेंगे और मास्क में जाकर लाइन को नीचे ले आएंगे। लो, तो हो गया आपका फोटो साइन इफेक्ट विद एनिमेशन रेडी। व्यू काउंटिंग एनिमेशन, फर्स्टली अलाइट मोशन में एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे। आप ग्रीन स्क्रीन का भी यूज़ कर सकते हो। अब एक ग्राफ PNG को ऐड करेंगे। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर PNG के साइज़ को इंक्रीज़ कर लेंगे और PNG को थोड़ा नीचे कर लेंगे। अब PNG के स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करेंगे और PNG को स्क्रीन के नीचे ले जाएंगे। अब टाइमलाइन पर थोड़ा आगे एक और की फ्रेम ऐड करेंगे और PNG को ऊपर ले जाएंगे। अब इसमें ग्राफ ऐड करेंगे। अब टेक्स्ट में जाकर व्यू 0 टाइप कर लेंगे। अब ऊपर से कलर और फॉन्ट दोनों चेंज कर लेंगे। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म से इसके साइज़ को इंक्रीज करके ऊपर एडजस्ट कर लेंगे। अब इफेक्ट में जाकर काउंटिंग इफेक्ट को ऐड करेंगे।
अब टेक्स्ट के स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करेंगे, देन आगे एक और की फ्रेम ऐड करेंगे। अब ऐड से जितने आपको व्यू चाहिए उतनी काउंटिंग ऐड कर लेंगे। अब स्मूथनेस के लिए इसमें ग्राफ ऐड कर लेंगे, देन काउंटिंग एनिमेशन इज रेडी। लेंस एनिमेशन, फर्स्टली पिक्सल लैब ओपन करेंगे और एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे। अब बैकग्राउंड को फुल स्क्रीन करेंगे और लॉक कर लेंगे। अब हम इसमें टेक्स्ट ऐड कर लेंगे, आप टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। अब हम फोटो को सेव कर लेंगे, आफ्टर दैट कैपकट ओपन करेंगे और एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे। अब ओवरले से उस फोटो को ऐड कर लेंगे। अब मास्क में जाकर सर्कल शेप को सिलेक्ट कर लेंगे। अब शेप को टेक्स्ट के स्टार्टिंग में रख लेंगे। अब फोटो के स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करेंगे एंड थोड़ा आगे एक और की फ्रेम ऐड करेंगे और सर्कल को थोड़ा आगे मूव कर लेंगे। इसी तरह हम दो तीन की फ्रेम ऐड कर लेंगे। अब हम की फ्रेम के बीच में ग्राफ ऐड कर लेंगे जिससे ये स्मूथली एनिमेट होगा। अब ओवरले से लेंस पीएनजी को ऐड करेंगे। अब जैसे जैसे फोटो में की फ्रेम ऐड किया था सेम वैसे ही की फ्रेम लेंस पीएनजी में भी ऐड कर लेंगे। अब इन सभी में सेम ग्राफ ऐड कर लेंगे, देन लेंस एनिमेशन इज रेडी। स्टैम्प एनिमेशन, आफ्टर दैट मैंने कैपकट में एक वीडियो को ऐड कर लिया है। अब ओवरले से स्टैम्प एनिमेशन ग्रीन स्क्रीन वीडियो को ऐड कर लेंगे। अब क्रोमा की से ग्रीन कलर को रिमूव कर लेंगे। अब गूगल में जाकर रबड़ स्टैम्प सर्च कर लेंगे, आपके सामने काफ़ी सारी पीएनजी आ जाएंगी। आपको स्टैम्प में जो पीएनजी ऐड करनी है आप उसे डाउनलोड कर लेना, मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखी है। अब हम कैपकट में पीएनजी को ऐड कर लेंगे। अब इसके साइज़ को एडजस्ट कर लेंगे और लेयर पीएनजी को स्टैम्प एनिमेशन के पीछे रख लेंगे एंड इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। लो तो आपका स्टैम्प एनिमेशन भी रेडी हो गया। वीडियो मर्ज टेक्निक, फर्स्टली कैपकट में एक वीडियो को पहले ही ऐड कर लिया है। अब ओवरले से एक और वीडियो को ऐड कर लेंगे। अब मर्ज में जाकर हॉरिजेंटल लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे। अब एडजस्ट में जाकर लाइन को 90 डिग्री पर रोटेट कर लेंगे। अब जितना आपको वीडियो को शो करना है उतना लाइन को आगे कर लेंगे और फेदर को 100% कर लेंगे। अब वीडियो को मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया है एंड अब देखो वीडियो कितना यूनिक लग रहा है। कॉर्नर राउंड टेक्निक, फर्स्टली कैपकट में एक बैकग्राउंड को ऐड कर लिया है। अब ओवरले से उस फोटो या वीडियो को ऐड कर लेंगे। अब मास्क में जाकर रेक्टेंगल शेप को सेलेक्ट कर लेंगे। अब इन एरो से वीडियो को दोनों साइड से इंक्रीज कर लेंगे। अब एडजस्ट में जाकर राउंड कॉर्नर से अपने अकॉर्डिंग कॉर्नर को राउंड कर लेंगे, देन राउंड कॉर्नर वीडियो टेक्निक इज रेडी।